दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच खेली गई T20 सीरीज भारत ने 2-0 से जीती, लेकिन इस सीरीज में भारत के दो खिलाड़ी प्राइज मनी से मालामाल हुए। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया, जिसके लिए उन्हें इनाम के तौर पर एक चमचमाती हुई ट्रॉफी इनाम के रूप में दी गई। बुमराह को इनाम के रूप में $1,000 का चेक भी दिया गया। इसके बाद रिंकू सिंह को स्टेज पर बुलाया गया और रिंकू सिंह को इस सीरीज के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस बाय यंग प्लेयर के खिताब से नवाजा गया। उन्हें भी चमचमाती हुई ट्रॉफी दी गई, जिसे पाकर वो बेहद ही खुश नजर आ रहे थे। हालांकि रिंकू सिंह को एक ही मैच में बल्लेबाजी करने का मौका मिला, लेकिन रिंकू सिंह को उस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। इसी के चलते उन्हें बेस्ट यंग प्लेयर का खिताब दिया गया, क्योंकि अमूमन डेब्यू मैच में ज्यादातर प्लेयर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा होना भी लाजमी है, क्योंकि नए खासकर यंग प्लेयर पर प्रेशर भी रहता है। यदि वह पहले मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाते तो उन्हें फ्यूचर में टीम इंडिया में जगह मिलेगी या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आईपीएल के बाद इंडिया में इतने ज्यादा क्रिकेटर्स तैयार हो गए हैं, जिसे देख सिलेक्टर भी असमंजस में पड़ जाते हैं कि किसे सिलेक्ट किया जाए और किसे नहीं। दोस्तों, क्या वाकई ही इंडिया में इतने प्लेयर्स तैयार हो गए हैं कि सिलेक्टर को प्लेयर चुनना मुश्किल हो गया है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, तो प्लीज क्रिकेट हिमालयाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार जरूर दें।